शिमला में खड़ी रही निजी बसें, लोग हुए परेशान। सबसे ज्यादा परेशानी सरकारी दफ्तर और स्थानीय लोगों को हुई। एचआरटीसी ने लगाए अतिरिक्त चक्कर। 50% ऑक्यूपेंसी की बंदिश के चलते कुछ स्टॉपेज पर एचआरटीसी बसें न रुकने से यात्रियों को हुई परेशानी। शिमला में रोहड़ू रामपुर चौपाल रूट नहीं चली निजी बसें, जिसके चलते यात्रियों को हुई परेशानी। शिमला के लक्कड़ बाजार ओल्ड बस स्टैंड लोकल बस स्टैंड पर लोकल रूट पर चलने वाली निजी बसें नहीं चली, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी हुई। लोगों को मजबूरन ज्यादा किराया खर्च कर टैक्सी में जाने को मजबूर होना पड़ा। बताएंगे मुस्कान दादी। मुस्कान जी, आपने कहाँ पर जाना है? सर केएलटी। तो जैसे कि आप यहाँ पर कितने टाइम से खड़े हैं? सर 15-20 मिनट हो गए हैं। अभी तक कोई बस नहीं आई है? और यहाँ से कोई मतलब जैसे यहाँ से कितने टाइम के बस जा रही है केएलटी के लिए? सर वैसे तो टाइम टू टाइम ही जाती है, पर आज तो लेट ही हो गई, सुबह भी यही काम है, लेट ही आती है। तो यहाँ से केएलटी के बस में कितना किराया लगता है? सर 10 रुपये। और प्राइवेट टैक्सी वाले कितने मांग रहे हैं आपसे? 20 रुपये। और जैसे प्राइवेट बस वालों की निश्चित हड़ताल है, तो इससे आपको भी आप भी सफर कर रहे हैं, तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? सर वैसे अब मतलब आपको कि जल्दी हड़ताल खत्म होनी चाहिए, सरकार को उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। कृष्ण जी, जैसा कि आप प्राइवेट बस वालों का दूसरा दिन है हड़ताल का, और इसके करके आपको क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत तो बहुत आ रही है सर, पूरा मतलब मांगे पूरी हो जाती है। तो आप यहाँ पर कितने टाइम से खड़े हैं? 15-20 मिनट। अभी तक कोई बस नहीं आई है? अगर प्राइवेट बसें आती है वो हर 5 मिनट के बस आती है, और यहाँ से जो टैक्सी वाले हैं वो मनमाना किराया वसूल रहे हैं। और बस में कितनी टिकट लगती है जहाँ पर आपने जाना? 15 रुपये लेते सर बस में। और टैक्सी वाले कितने मांग रहे हैं? 20-25। धन्यवाद। नाम बताएंगे जी? सर मेरा नाम अफरीदी है और मैं यहाँ से अफरीदी रहता हूँ। आप यहाँ पर कितनी देर से बस के लिए खड़े हैं? ये हो गया तकरीबन आधा पौना घंटा। तो अभी आधे पौने घंटे से कोई बस नहीं आई है यहाँ पर? और यहाँ से जैसे जो प्राइवेट बसें कितनी है, कितनी प्राइवेट बसें चलती हैं यहाँ पर? हर 5 मिनट के बाद यहाँ से बसें चलती हैं। तो कोई बस नहीं आई? अभी कोई बस नहीं आई है। और सरकारी बस कितनी देर में आती है? सरकारी आती है आधे पौने घंटे बाद। और जैसे अभी आजकल अभी यहाँ पे आपके सामने टैक्सी गई है, प्राइवेट बस में कितना किराया और टैक्सी वाले में कितना फ़र्क है जी? टैक्सी वाले तो मेरे ख्याल से लेते हैं 150 रुपये। अच्छा जी, जो प्राइवेट टैक्सी वैसे 20 रुपये उनका प्राइस। और वैसे बस में कितने की टिकट है? 7 रुपये। तो आप कुछ बोलेंगे प्राइवेट बस की जो स्ट्राइक हुई, आपको कितनी परेशानी हो रही है जनता को? परेशानी तो है सर, क्या करेंगे, नहीं बसें वगैरह आई नहीं यहाँ पर। आप यहाँ से आधे घंटे से खड़े हैं यहाँ पर? धन्यवाद। A1 हरियाणा के लिए शिमला से हिमांशु कुमरा की। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।